हेलो बीजीएम माय लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेक क्लास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे दो टॉपिक बताने वाली हूँ। एक टॉपिक से गाइज आप लोगों को यहाँ पे पॉपुलैरिटी मिलेगी और सेकंड टॉपिक हमारा मैरिज सिस्टम पे रहेगा कि मैरिज सिस्टम को अब यहाँ पे बहुत ही हाई कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे मतलब उसके अंदर क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं और मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो मेल बॉक्स के अंदर आप लोग देखो, कल रात को मैं यहाँ पे गेम खेल रही थी। अब यहाँ पे टाइमिंग कितना हुआ है, 11:10 पहले, कल रात को 1 बजे के समथिंग मुझे यहाँ पे एक मेल आया था, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ तो रिवॉर्ड फॉर हैविंग हाई मेरिट, हाई मेरिट के मुझे यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड मिले हैं। तो इसको मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे 500 बीपी मिले हैं, 8 यहाँ पे सिल्वर मिले हैं और 1 यहाँ पे बाइक वाली पॉपुलैरिटी मिली है। तो गाइज यहाँ पे इसके अंदर कंटेंट क्या है, मतलब किस बेसिस पे मुझे ये रिवॉर्ड मिले हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखो, डियर प्लेयर एज योर कंडक्ट हैज़ बीन गुड इन रिसेंट मैचेस। मतलब कि गाइज यहाँ पे रिसेंट मैच के अंदर मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इस वजह से मुझे यहाँ पे हाई मेरिट रिवॉर्ड रिसीव हुए हैं और ये यहाँ पे एक गुड गेमिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए भी हेल्प करता है। तो मैं आप लोगों को इसको अच्छे से बताऊँ तो सबसे पहले मैं इसको कलेक्ट कर लेती हूँ। तो गाइज अब यहाँ पर आप लोग देखो, कल रात को मैं यहाँ पे गेम खेली थी, ठीक है, कल रात को मैं यहाँ पे गेम खेली थी। तो मेरा करियर रिजल्ट मैं आपको बताती हूँ गाइज, यहाँ पे लास्ट 2 गेम थी ना उसके अंदर यहाँ पे क्लच भी किए थे, पूरे का पूरा स्क्वाड खाया था। फर्स्ट यहाँ पे देखो जो 7 नंबर पे मैं आई हूँ उसमें यहाँ पे मैंने कितने बंदे मारे थे, हाँ 4 वाला क्लच किया था और 9 नंबर में मैंने यहाँ पे 3 वाला क्लच किया था। बट अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग यहाँ पे किल करते हो वो आप लोगों का सिर्फ थोड़ा मैटर करता है, बट ज़्यादा मैटर आप लोगों का ये करता है कि आप लोगों ने अपने टीममेट को कितना सपोर्ट किया। मतलब कि आप लोग गेम खेलते हो तो आप लोग अपने टीममेट को कितनी बार रिवाइव देते हो, जब जब उसको आपकी ज़रूरत पड़ती है तब तब आप उसके काम आए हो कि नहीं, आप लोग उसको सप्लाइज देते हो। और स्पाइडरमैन के मोड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को रिकॉल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर हमारा टीममेट यहाँ पे मर जाता है तो हम लोग उसको रिकॉल करके भी वापस बुला सकते हैं। तो दोनों गेम में गाइज यहाँ पे यही हुआ था, दोनों गेम में गाइज जब मैंने क्लच करे थे तब मेरे तीनों टीममेट मर गए थे दोनों बार, और दोनों बार गाइज मैंने यहाँ पे मेरे तीनों टीममेट को रिकॉल करके बुलाया था। उसके बाद मैंने गेमिंग के अकॉर्डिंग मतलब फाइट वाइट के अकॉर्डिंग उनको रिवाइव भी दिया था, और मेरी पहले से ही गेम में आदत है मैं हर एक बंदे को सप्लाई देती ही रहती हूँ, किसको क्या ज़रूरत है किसको क्या ज़रूरत है। भले मेरी केडी वेडी कम रहती है बट मेरे अंदर पहले से ही ये चीज़ है, मैं अपने टीममेट को पूरा सपोर्ट देती हूँ गेम के अंदर। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे ऐसा करते हो तो डुओ और स्क्वाड के अंदर आप लोगों का एक जो गेमिंग एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा बना रहेगा और उसके अकॉर्डिंग गाइज आप लोगों को यहाँ पे हाई मेरिट के रिवॉर्ड मिलेंगे। तो आप लोग भी डुओ या स्क्वाड में खेलो तो अपने फ्रेंड का पूरा सपोर्ट करके खेलो, भले किल निकालो बट जहाँ पे कॉल की ज़रूरत है रिकॉल की वहाँ पे रिकॉल भी करो, जहाँ पे आपको रिवाइव देने की सप्लाई देने की ये सब ज़रूरत है तब आप लोग वो चीज़ें भी करो, जिससे आप लोगों को थोड़े थोड़े टाइम में ये हाई मेरिट वाले रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 टाइम मिले हैं, आगे जाके भी आप लोगों को देर बहुत बार ये रिवॉर्ड मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज अब हम लोग यहाँ पे मैरिज सिस्टम की बात करते हैं, ये टॉपिक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। अब गाइज यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आपको लास्ट में मैरिज सिस्टम का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे मैरिज सिस्टम को भी बहुत इम्प्रूव कर दिया गया है, अगर गाइज आप लोगों का पूरा मेरिट अच्छे से है तो आप लोग यहाँ पे जब गेम खेलते हो ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है योर बीपी लिमिट पर डे हैज़ इंक्रीज बाई 200 एंड चैलेंज पॉइंट अर्निंग फ्रॉम मैचेस हैव इंक्रीज बाई 5। मतलब कि गाइज यहाँ पे जब आप लोग गेम खेलते हो और गेम के अंदर अच्छा आप लोग करते हो और आपकी गुड मेरिट रहेगी पूरी 100 तक की, तो आपको गेम के थ्रू जो बीपी मिलते हैं ना वो यहाँ पे 200 से इंक्रीज किए जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको बीपी मिलेगी, 200 से ज़्यादा तो मिलेगी ही, और जो आपके चैलेंज पॉइंट रहता है ना वो आप लोगों को 5 से प्लस किया जाएगा, मतलब आपको 5 एक्स्ट्रा चैलेंज पॉइंट भी यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे मैरिज सिस्टम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो गाइज सबसे अच्छी मैरिट रहती है 100, ठीक है, जो कि लास्ट हमारी 100 मैरिट है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की 100 मैरिट कंप्लीट रहती है तो यहाँ पे माना जाएगा कि आपका काम यहाँ पे अच्छा है, आपकी जो बीपी की लिमिट होगी वो 200 से बढ़ेगी और यहाँ पे जो चैलेंज पॉइंट होगा वो आप लोगों के 5 से इंक्रीज़ होगा, जो कि फर्स्ट पॉइंट पे है।
उसके बाद सेकेंड में गाइज यहाँ पे ये है कि अगर आप लोगों की मेरिट 80 से 99 रहती है, मतलब कि कभी कभी आप लोग अपने टीममेट को मार देते हो, नेट वेट से उड़ा देते हो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग एनिमी को मारने जाते हैं बट अगर हमारे टीममेट के पास गाड़ी वाड़ी हो तो उसकी गाड़ी भी फूट जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट हमारी कभी कभी लॉस हो जाती है। तो अगर आपकी 80 से 99 तक की मेरिट होगी ना तो आप लोगों की मेरिट गुड है, वहाँ पर आप लोगों का काम भी अच्छा है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद अगर आपकी 60 से 79 मेरिट हो जाती है तो गाइज यहाँ पे आपकी मेरिट थोड़ी लैकिंग है, मेरिट आपकी लैक कर रही है ऐसा मतलब नहीं है लैकिंग का, यहाँ पे आप लोगों की मेरिट थोड़ी सी डाउन हो गई है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे क्या होगा कि गाइज यहाँ पे आप लोग गेम नहीं खेल पाओगे, और गेम भी कैसी, आप लोग रैंक मैचेस नहीं खेल पाओगे। मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे आप लोग देखो, आप लोगों को मैप के अंदर, रैंक के अंदर यहाँ पे मैप देखने को मिल जाते हैं, तो ये वाले मैप आप लोग यहाँ पे नहीं खेल पाओगे अगर आप लोगों की 60 से 79 की मेरिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दिया, मतलब कि मैंने तो यहाँ पे एक बार और आपको मैं ले चलती हूँ मेरिट सिस्टम में क्वेश्चन मार्क पे। तो यही है, आप लोग यहाँ पे 60 से 79 में हो तो मल्टीप्लेयर मोड नहीं खेल पाओगे, और मल्टीप्लेयर का मतलब होता है दो और स्क्वाड में भी आप लोग गेम नहीं खेल पाओगे। उसके बाद गाइज नेक्स्ट हमारा आता है 20 से 59 का, तो अगर आप लोगों की मेरिट यहाँ पे 20 से 59 रहती है तो गाइज यहाँ पे आप लोगों की मेरिट क्वाइट बैड, आप लोगों की मेरिट फिर बहुत ही बैड है, उसको आप लोगों को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और अगर आप लोगों की इतनी मेरिट रही तो आप लोग यहाँ पे रैंक मैचेस और मल्टीप्लेयर मैचेस नहीं खेल पाओगे, जो कि मैंने अभी आपको रैंक मोड बताया सारे मैप और मल्टीप्लेयर। और उसके बाद गाइज यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे आप लोगों को गेम के थ्रू EXP और BP मिलते हैं ना, वो आप लोगों के 70% से रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब फिर आप लोग गेम खेलते भी हो तो आप लोगों को बहुत ही कम यहाँ पे BP और EXP मिलेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो अगर आपकी 0 से 90 की मेरिट हो तो फिर आपकी मेरिट इज़ अपेलेंट, फिर तो बहुत ही गंदी गाइज आप लोगों की मेरिट है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोगों की 0 से 19 मेरिट रहती है उसके बाद तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ VSAI मोड ही खेल पाओगे, जो VSAI बोट वाले मोड है ना उसको ही आप लोग यहाँ पे खेल पाओगे। और गाइज यहाँ पे उसमें भी आप लोगों के जो EXP और BP होगे जो आप लोग गेम से अर्न करते हो वो आप लोगों के 90% यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी मेरिट यहाँ पे वर्क करती है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे यही है कि वायोलेटिंग सिस्टम सारी लिखी हुई है, जिसमें गाइज आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज की वायोलेशन करते हो, लैंग्वेज के अंदर मतलब आप लोग किसी की इंसल्ट करते हो तो गाइज आप लोगों की मेरिट यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आप लोगों को पेनल्टी भी भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू ब्रेक द रूल, अगर आप लोग यहाँ पे रूल ब्रेक करने की इन्फॉर्मेशन देते हो बंदों को, आप लोग सबको सिखाते हो कि गेमिंग के अंदर रूल कैसे ब्रेक करने चाहिए, तो उसका भी गाइज यहाँ पे एक तरीके से इल्लीग इन्फॉर्मेशन है, और इससे भी आप लोगों की जो मेरिट है वो यहाँ पे डिडक्ट हो सकती है, आप लोगों को बैन भी मिल सकता है और म्यूट करके भी कुछ यहाँ पे सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे है ग्रिफिंग टीममेट, तो ग्रिफिंग टीममेट के अंदर ये है कि आप लोग यहाँ पे गेम के अंदर बार बार एग्जिट कर दोगे, इनिशियल आइडलिंग लिविंग द टीम वाइल ऑन स्पॉन आइलैंड, आप लोग जब गेम स्टार्ट करते हो फिर स्पॉन आइलैंड पे होते हो तो बहुत बार हम लोग एग्जिट कर देते हैं, तो अगर आप लोग इस तरीके से स्पॉन आइलैंड एग्जिट करते हो, मैच को आप लोग बार बार एग्जिट करते हो तो गाइज यहाँ पे आप लोगों की मेरिट डिडक्ट हो जाएगी और आप लोगों को मैच से बैन कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है बहुत बार हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, हम लोगों को फिर गेम के अंदर जाने ही नहीं देते, कभी कभी 60 सेकेंड का बैन, उसके बाद 4 मिनट का बैन, फिर 1 घंटे का बैन, ऐसे करते करते बैन लगता रहता है अगर आप लोग गेम को एग्जिट करते हो तो। उसके बाद है अटैक्स टीममेट, तो गाइज यहाँ पे अगर आप लोग अपने टीममेट को मतलब वो अटैक करते हो, उसके ऊपर ग्रेनेड फेंकते हो, उसके ऊपर कॉकटेल फेंकते हो, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हो, या फिर उसको कैरी फीचर के थ्रू उठा के इधर उधर ले जाते हो और अगर वो शायद मर जाता है, तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने टीममेट को इफेक्ट करते हो, मतलब हार्म पहुंचाते हो, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आप लोग अपने टीममेट पे अटैक कर रहे हो, और इससे भी आप लोगों की मेरिट डिडक्ट हो जाएगी और हायर और टायर द मोर पॉइंट विल बी डिडक्टेड, मतलब कि आप लोगों के इसके अंदर टायर पॉइंट भी कम कर दिए जाएंगे, आप लोगों को प्लस मिलते हैं ना रैंक पुश करने में, उसको भी यहाँ पे कम कर दिया जाएगा। उसके बाद टीमिंग अप विद चीटर है, आप लोग यहाँ पे अगर चीटर के साथ टीमिंग अप करते हो तो भी आप लोगों की यहाँ पे मेरिट डिडक्ट होगी और आपकी रैंक भी यहाँ पे रिमूव की जाएगी। उसके बाद गाइज अगर आप लोग किसी थर्ड पार्टी टूल्स का यूज़ करते हो तो भी गाइज यहाँ पे आप लोगों को मेरिट डिडक्ट हुई देखने को मिलेगी और आप लोगों को यहाँ पे
बैन भी मिल सकता है। उसके बाद टीमर्स है, अगर आप लोग यहाँ पे सोलो में खेलते हो या डुओ में खेलते हो तो किसी के साथ टीम अप करके उसको मारते नहीं हो, उसके साथ इधर इधर पूरी गेम में घूमते रहते हो, तो भी यहाँ पे आप लोगों की मेरिट डिडक्ट होगी और आप लोगों को यहाँ पे बैन मिल जाएगा। उसके बाद एक्सप्लोटिंग वर्क बग्स, मतलब कि कभी कभी बहुत से यूट्यूबर आपको बताते हैं कि ये बग चल रहा है जाके करो, ये बग चल रहा है उसका अचीवमेंट कम्प्लीट कर लो, तो ऐसे गाइज यहाँ पे अगर आप लोग बग्स का भी यूज़ करते हो तो भी आप लोगों के मेरिट यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे ये सारे रूल वर्क करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पूरी मैरिज सिस्टम को समझ गए होंगे। चले गाइस, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।